शिवसेना सुप्रीमो बालासाहेब ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी जानकारी मिलने के बाद उनके शुभचिंतकों का लगातार आना जाना लगा हुआ है। इससे पहले भी कई राजनीतिक दिग्गज बालासाहेब के स्वास्थ्य को देखते हुए मातोश्री पर पहुंचे थे और बालासाहेब ठाकरे के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसी कड़ी में रामदास आठवले भी उनके निवास उनसे मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन आरपी अध्यक्ष की मुलाकात बालासाहेब ठाकरे से नहीं हो पाई। इस अवसर पर जब वो मातोश्री से बाहर आए तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे बालासाहेब के सेहत के बारे में जानकारी हासिल की। बालासाहेब जी को मिलने के लिए मैं गया था, लेकिन अभी वो किसको मिलती भी नहीं है। लेकिन उद्धव जी से बहुत देर तक बात हुई और उद्धव जी ने बोला कि उनकी तबीयत अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा खाना नहीं खाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन बालासाहेब उधर अंदर घूमते हैं, बात भी करते हैं, पूरे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हमारे बारे में भी उन्होंने बोला कि भाई आपकी याद करते हैं, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो भाई ये रामदास जी पूरे महाराष्ट्र में हमेशा घूम रहे, बहुत मतलब काम कर रहे, इसी तरह की बात आपके बारे में भी करते हैं, तो उद्धव जी ने बोला है। तो अभी तो तबीयत फिलहाल उनकी अच्छी तबीयत है, तो उन्होंने बोला है और अभी तो डॉक्टर ने भी किसको मिलने के लिए मना किया है, इसलिए मतलब मेरी मुलाकात तो हुई नहीं। लेकिन मैं बहुत देर तक वहाँ बैठा, उद्धव जी से मेरी कई घंटा भर बात हुई और मतलब उन्होंने बोला है कि बालासाहेब की तबीयत अच्छी है। तब रामदास आठवले ने कहा कि मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। वैसे उद्धव ठाकरे से बालासाहेब ठाकरे के सेहत के बारे में काफी बातें हुई। हालांकि बालासाहेब ठाकरे की तबीयत ठीक न होने की वजह से लोग काफी चिंतित थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक होने की खबर से उनके शुभचिंतक काफी खुश है। कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।